हेलो एवरीवन, आज मुझे स्वागत करुच्चे। से पढ़ा इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड इन्स्पेक्शन मेथड। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड इन्स्पेक्शन मेथड आउ या नहीं कितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं सल्व करा। सो भिडियो इंपोर्टेंट हम भिडियो आस्ते आस्ते देखो। आउ यार पूर्व भिडियो में पढ़ुते एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेमानकर सॉल्यूशन। ओके, एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का टोटल पांचटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आम सल्व करते पूर्व भिडियो में। जो तुम देखा चाहो से भिडियोटा देन प्लेलिस्ट जाकि देखिपार। ओके, यहाँ होगी बीएससी मैथमेटिकल फिजिक्स वन सेकंड यूनिट कैलकुलस टू एंड फर्स्ट यूनिट कैलकुलस वन ऑलरेडी कंप्लीट सारी एंड वेक्टर अलजेब्रा पार्टा ऑलरेडी कंप्लीट सारी सेकंड यूनिट रो। ओके, जो तुम चाहो देखापी देन प्लेलिस्ट जाकि देखिपार। तो ये पूर्व भिटे पढ़ुते एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन रो एक्जैक्टनेस कंडीशन होची एटा डो एम बाय डो वाई इज इक्वल टू डो एन बाय डो एक्स। ओके, जो डिफरेंशियल इक्वेशन टा ए फॉर्म रे थिबो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ओके, ये एम डैश एन डैश लिखाई है, एम डैश नुह सिंपल एम। ओके, यहाँ हूँ सिंपल एम आईटा सिंपल एन ही हम। ओके, एम ऑफ एक्स कमा वाई इंटू डी एक्स, दैट इज एम इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड एन इज अल्सो ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, या सिंपल कहींपर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। जो डिफरेंशियल इक्वेशन टा यही फॉर्म रे अच्छे देन तर एक्जैक्टनेस कंडीशन है डो एम बाय डो वाई इज इक्वल टू डो एन बाय डो एक्स, मैंने यही कंडीशन टा सैटिस्फाई करते से इक्वेशन टाक एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोली आम कहीपर। ओके, आज जो इक्वेशन टा एक्जैक्ट हो तार सल्यूशन फर्मुला हूँ एटा। ओके, तार सल्यूशन हूँ एटा इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस टर्म इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। ओके, सी हूँ कौन कांस्टेंट। तो यहाँ जो कौन तार सल्यूशन फर्मुला आउ यही सल्यूशन फर्मुला को अप्लाई करके ही कितना क्वेश्चन सॉल्व कर सारी। तो यहाँ केतेबाद डिफरेंशियल इक्वेशन टा एक्जैक्ट हो। ओके, जो डिफरेंशियल इक्वेशन टा एक्जैक्ट हो न। ओके, एक्जैक्ट हो न माने कौन यहाँ सैटिस्फाई कर डो एम बाय डो वाई इज नॉट इक्वल टू डो एन बाय डो एक्स हो। ओके, जदि इक्वेशन टा यही फॉर्म रे अच्छे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो देन डो एम बाय डो वाई इज नॉट इक्वल टू डो एन बाय डो एक्स जदि हो देन से कौन नॉन एक्जैक्ट हो। इक्वेशन टा कौन नॉन एक्जैक्ट। ओके, तेज से ही समय तार सल्यूशन को भाई बाहर करवा तो तार पाई गोटे मेथड रही है। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को बोली गोटे फैक्टर अच्छी। ओके, से ही फैक्टर को यूज करके तार सल्यूशन बाहर करा जाए। ओके, तो सहीटा ही आम देखा आउ एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पर डायरेक्ट फॉर्मूला ये अप्लाई करवा। ओके, एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पर ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करके सॉल्व करवार आउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉरी जदि इक्वेशन टा एक्जैक्ट हो नाने यहाँ सैटिस्फाई कर डो एम बाय डो वाई इज नॉट इक्वल टू डो एन बाय डो एक्स हो देन तार पाई भिन्न भिन्न मेथड रही है। ओके, से फर्स्ट हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करवा आउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को भाई मेथड बाहर कर जाए इन्स्पेक्शन मेथड रे। ओके, इन्स्पेक्शन मेथड गोटे रही है केतटा रूल रही। ओके, रूल वन वन टू थ्री अप टू चार्टा पाँचटा रूल रही। ओके, सो से रूल मान डिस्कस करवा। ओके, से सब नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करवा एठी ओनली इंस्ट्रक्शन मेथड विषय में देखा। ओके, इंस्ट्रक्शन मेथड यूज करके नॉन एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को भाई सॉल्व करा जाए। ओके, तो यहाँ हूँ कांसेप्ट। देख इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन फर्स्ट जानदे व्वेन द डिफरेंशियल इक्वेशन एम ऑफ एक्स कमा वाई इंटू डी एक्स प्लस एन ऑफ एक्स कमा वाई इंटू डी वाई इज नॉट एक्जैक्ट। ओके, जितेबाला डिफरेंशियल इक्वेशन टा एक्जैक्ट हो न देन इट कैन बी मेड एक्जैक्ट बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय सुइटेबल फैक्टर कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, तेज इक्वेशन को फर्स्ट आम एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन टे कन्वर्ट करवा। ओके, जो इक्वेशन टा नॉन एक्जैक्ट अच्छी मैंने ये कंडीशन टा सैटिस्फाई करुच्छे देन गोटे सुइटेबल फैक्टर आम ये मल्टीप्लाई करवा से इक्वेशन रे। ओके, कौन करवाई एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन टे कन्वर्ट करवाई। ओके, एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन टे कन्वर्ट होगा आम से फॉर्मूला आउ थे अप्लाई करवा ये फॉर्मूला। ओके, ये फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर दवा। तो फर्स्ट मेथड हूँ नॉन एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे कन्वर्ट करवा। ओके, सो देख तार वेरियस मेथड रही। ओके, द वेरियस रूल्स फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स आर एज फॉलोज। ओके, फर्स्ट हूँ इंस्पेक्शन मेथड तापर रूल वन रूल टू एभली रूल मैंने गोटे गोटे रही से सब आम पढ़ा। ओके, तो फर्स्ट हूँ इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड द्वारा आम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को भाई फाइंड करवा देखा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, आई एफ दी आई एफ मीन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, कैन बी ऑब्टेन समटाइम्स बाय इंस्पेक्शन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड रीग्रुपिंग द टर्म्स ऑफ इक्वेशन। ओके, फॉर दिस पर्पज द स्टूडेंट्स शुड बी फैमिलियर विद द डिफरेंशियल लिस्टेड बिलो। ओके, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आम को बाहर कर पार।
ओके केतेक एक्सपीरियंस रही आमर ओके डेरिवेटिव रे एक्सपीरियंस तुम थी एक्स इंटु डी वाई प्लस वाई इंटु डी एक्स इज इक्वल टू कौन हम डी अफ एक्स कमा वाई हम सॉरी डी अफ एक्स इंटु वाई हो पार ओके डी अफ एक्स इंटु वाई देन एटा कौन हम दैट इज डेरिवेटिव अफ एक्स इंटु वाई तुम जानी थो डी बाय डी एक्स अफ यू इंटु भी ओके यू भी फर्मूला जानी थोड़ा चेन रूल तो यहाँ कौन यू डैश इंटु भी प्लस भी डैश इंटु यू ओके ये तो तार फर्मूला तो ये डी एक्स न लिखे सिंपल डी लिखाई डी अफ यु इंटु बी कहले भी इंटु यु डैश मान कौन यूर डेरिवेटिव दैट इज डी यु प्लस यु इंटु भि डैश मान कौन डेरिवेटिव अफ भि दैट इज डी भि ओके तो यहाँ कौन आम एक्सपीरियंस रही तेरे आम एक्सपीरियंस रु अलरेडी डेरिवेटिव आम एक्सपीरियंस रही ओके तेरे ये एक्सपीरियंस रु आम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाहर कर पारे आवरी रीग्रुपिंग द टर्म्स ओके ये जो टर्म मान रहा या आम रीग्रुप करुचे ओके यहाँ दुईटा ग्रुप रही बी इंटु डी यू प्लस यू इंटु डी भी ताको आम सर्टकट्रे ये लिखिपारे ओके मैंने कौन ताको रीग्रुप कले तेरे ये दुईटा मेथड्र आम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाहर करतेटा टर्म सहित आमको फैमिलीयर होगा पड़ो ओके आया फर्मूला बोल कि मन रखी ओके फर्मूला बोल कि मन रखीदे मत हम देन यही मेथड मानक यूज करके आम इंटीग्रेटिंग फैक्टरटा इजिली बाहर करपर इंटीग्रेटिंग फैक्टर को नन एक्जाक्ट डिफरेंशियल सहित मल्टीप्लाई करदे ओके नन एक्जाक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सहित मल्टीप्लाई करदे से इक्वेशनटा एक्जाक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन रे कन्वर्ट हो ओके तो फर्स्ट फॉर्मूला देख फर्स्ट हूँ एक्स इंटु डी वाई प्लस वाई इंटु डी एक्स इज इक्वल टू डी इंट डी अफ एक्स कमा वाई सॉरी एक्स इंटु वाई ओके यहाँ ए रूल एप्लाई हो चेन रूल सब चेन रूल ही अच्छी तपर यहाँ देख y into dx minus x into dy divided by y square is equal to 1. d of x by y, d of x by y, eta hoche u by v formula. Derivative of d by dx of u by v formula gaano. u dash into v minus v dash into u divided by v square. Okay, eta hoche tar formula. d by dx of u by v, jodi divide ekithi po, then फर्स्ट डेरिवेटिव ओके दैट इज न्यूमरेटर डेरिवेटिव इंटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर डेरिवेटिव इंटू न्यूमरेटर डिवाइड बाय तले जी अच्छे तार स्क्वायर वाई ओके तो ये भी सेम रूल ही अप्लाई है डी अफ एक्स बाय वाई दैट इज एक्स डेरिवेटिव फर्स्ट है ओके वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डिनोमिनेटर डेरिवेटिव डी वाई डिवाइड बाय डिनोमिनेटर की अच्छे वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर ओके आउ ठीक से भाई अन्न्य मेथड मत रही थर्डटा देख एक्स इंटु डी वाई माइनस वाई इंटु डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कौन हम डी अफ वाई बाई एक्स जदि डिफरेंशियल इक्वेशनटा ए टर्म्रे अच्छे सर्टकट आम यही फर्म्रे लिखिद ओके आम सर्टकट यही फर्म्रे लिखिद इंटीग्रेशन बाहर करदे तार डेरिवेटिव कौन सरी तार सल्यूशनटा पलि आस डिफरेंशियल इक्वेशनटा हूँ एटा ओके डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू जहाँ भी थो ओके आम यही फर्म्रे लिखिदेलापर जब बोथ साइड इंटीग्रेशन बाहर करद डी अफ जहाँ भी था इंटीग्रेशन बाहर करदे कौन तार सल्यूशन बाहर पड़ो ओके तो से मेथड मानक मन रखा पड़ी आटा हम वाई इंटु डी एक्स माइनस एक्स इंटु डी वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी अफ टेन इनवर्स एक्स बाय वाई ओके यहाँ मतलब डेरिवेटिव सिंपल तुम्हें जब या बाहर कर सल्व कर देन डायरेक्ट इजिली कौन ये तार रूलटा बाहर कर तो ओके ये रूलटा तुम्हें पाइपर जब चाहछ देन या डी बाय डी एक्स अफ टेन इनवर्स एक्स बाय वाई डेरिवेटिव बाहर करो ओके टेन इनवर्स एक्स बाय वाई डेरिवेटिव हो जब चाहछ देन या करदे टेन इनवर्स एक्स बाय वाई डेरिवेटिव कौन यार डेरिवेटिव हूँ वन डिवाइड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर तो एक्स जगह के एक्स बाय वाई अच्छे तेब एक्स बाय वाई होल स्क्वायर ओके फॉर्मूला ये अप्लाई है एगेन एक्स बाय वाई डेरिवेटिव हम एक्स बाय वाई डेरिवेटिव हेले एक्स बाय वाई डेरिवेटिव कौन ये अच्छे ये देख एक्स बाय वाई डी अफ एक्स बाय वाई रहा ओके तेज यहाँ है डी अफ एक्स बाय वाई ओके माने ये एक्स बाय वाई एगेन डेरिवेटिव है हम यहाँ वन डिवाइड बाय एटा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय वाई स्क्वायर इंटु यहाँ ये भैल्यूटा लिखिद ये एक्स इंटु डी वाई एक्स इंटु डी वाई माइनस वाई इंटु डी एक्स डिवाइड बाय एक्स इंटु डी वाई मैंने वाई स्क्वायर हम ओके देन
वाई स्क्वेयर आउ या सहित मल्टीप्लाई हेले कौन हम वाई स्क्वेयर आउ वाई स्क्वेयर टाइट डिवाइड एक अच्छी इधर सहित डिवाइड हेले वन सहित मल्टीप्लाई हम तो वाई स्क्वेयर डिवाइड बाय वाई स्क्वेयर इंटू वन इज वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर ओके ये डिवाइड होगी था वाई स्क्वेयर तक आम उपरे नहीं गले तो वन सहित मल्टीप्लाई है यहाँ इंटु एक्स इंटु डी वाई माइनस वाई इंटु डी एक्स डिवाइड बाय वाई स्क्वेयर देन वाई स्क्वेयर कैनसल तो फाइनाल वैल्यू बाहर के इटा आउ इटी वन अच्छी तो एक्स इंटु डी वाई माइनस वाई इंटु डी एक्स होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर किए रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओके तो देख बाहरी पड़ा से वैल्यूटा ओके टेन प्लस एक्स बाय वाई रहा ताको हम सर्टकट लिखिदे ये वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइड बाय एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी अफ टेन इनवर्स एक्स बाय वाई तो ताको एफळी लिखि परबा ओके जो डिफरेंशियल इक्वेशन टा ए फॉर्म रे अछि तन ताको सर्टकट ए फॉर्म रे लिखि परबा तापर एटी देखो फिफ्थ रहला वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई डिवाइड बाय एक्स वाई ओके देन एटा हबो डी अफ लग अफ एक्स बाय वाई ओके देन एटा भी मन रखि थ चाहे बाहर कर पारे ये भी ओके आ सिक्स नंबर टा है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर एटा है डी अफ वन बाय एक्स वाई ओके आउ सेवेन नंबर जो चाहो तो या तुम निजे सल्व कर ओके सल्व कर ओके तार एक्चुअल स्ट्रक्चर जो तुम जान देन इजिली मन रहा ओके तो करके देख तुम यहाँ तापर सेवेन टा देख इट द्वार सॉरी वाई इंटू इट द्वार एक्स इंटू डी एक्स माइनस इट द्वार एक्स इंटू डी वाई डिवाइड बाय वाई स्क्वायर हेल्ले यहाँ हम डी अफ इट द्वार एक्स बाय वाई ये सिंपल अच्छे ए मेथड ओके डी अफ एक्स बाय वाई और डी अफ वाई बाय एक्स सिंपल ये एक्स जगह इट द्वार एक्स अच्छी और या जो धरव देन वाई जगह इट द्वार एक्स अच्छी ओके आ बाकी किसी ना सेम अच्छे तापर यहाँ टू एक्स इंटू डी एक्स ओके प्लस टू वाई इंटू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो यहाँ हम डी अफ लग अफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड नाइन नंबर है टू एक्स वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई डिवाइड बाय वाई स्क्वायर यहाँ हम डी अफ एक्स स्क्वायर बाय वाई ओके एंड टेन नंबर है टू एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस टू वाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई डिवाइड बाय टू दर फोर इज इक्वल टू डी अफ एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर ओके आउ हेर पीडीएफ डाउनलोड कर चाहछ देन डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छे जाकि जॉइन करनी हो, ओके यार पीडीएफ तो डाउनलोड कर पारे तार फुल चैप्टर रो पीडीएफ टा मु अपलोड कर देथिबे टेलीग्राम चैनल रे ओके तो जाइके जॉइन करनी हो तापर एबे जो हमे देखले ओके जो जो मेथड माने देखले ओके से सब मेथड मान को हमे यूज करके केतरे क्वेश्चन सॉल्व करबा ओके क्वेश्चन सॉल्व कला पर जानिबो छै ए सब केते इंपोर्टेंट ओके सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है छै सॉल्व y * dx - x * dy इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब इंटु डी वाई ओके तो यहाँ आमको क्वेश्चन दिखाई आउ डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने कहुई तो ये कहुएं ये एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कि नॉन एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ओके तो फर्स्ट आमको चेक करवाक पड़ो ये जो एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देन डायरेक्ट फॉर्मूला आम अप्लाई करवा जो आगे आम करूँ ओके जब नॉन एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देन ए मेथड मानक यूज करा पड़ो ये ओके ए मेथड टे सॉल्व करवाक पड़ो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाहर करवा ओके इंस्ट्रक्शन मेथड यूज करके सॉल्व करवा सो तो आम जानसे कौन तार फॉर्मटा यही थिले ताको एक्जेक्ट की नॉन एक्जेक्ट से बाहर कर पारा ओके इक्वेशन टा जो ए फॉर्म रही एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ओके एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जीरो फॉर्म थी आम कर फॉर्म ना ये कौन अच्छे वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब इंटू डी वाई अच्छे तो यहाँ हम वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस अच्छे ये कौन हम माइनस तो माइनस एक्स वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू जीरो ओके तो फर्स्ट चेक करवा यहाँ एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कि नॉन एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ओके सो दिस इंप्लाइज वाई इंटू डी एक्स बोथ टर्म रु माइनस गोटे कमन ना माइनस एक्स आठ डी वाई को मत कमन ना ओके आमको ये फर्म सजाक पड़ो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल जीरो फर्म तेज डी वाई को गोटे टर्म लिखा पड़ो ओके सो एक्स आठ वन रई को कमन ना डी वाई को कमन नौ ओके आउ ये माइनस एक्स आउटसाइड जाए तो रोते प्लस वाई क्यूब इंटु बोथ टर्म रु डी वाई गोटे कमन नहीं छे इज इक्वल टू जीरो तेज देख एम डी एक्स एन डी वाई ओके ये एम यहाँ होते वाई सॉरी एन तेज या को आम कंपेयर करवा कार सहित ए इक्वेशन सहित देन ये बाहर एम इज इक्वल टू वाई एंड एन इज इक्वल टू के आउ यार स्टेप राइटिंग मुझे अलरेडी दे सारी ओके पूर्व वीडियो मानक आम कर सारी तो स्टेप राइटिंग मुझे कहूनी डायरेक्ट डायरेक्ट सिंपल बुझे दूसरी ओके ये माइनस आसला एन एन रैल्यू माइनस अच्छे
माइनस ऑफ वन प्लस वाई बाय वन प्लस वाई क्यूब ओके ना ये बाहर कैसे डो एम बाय डो वाई बाहर करवा डो एम बाय डो वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई रोचे सो वाई डेरिवेटिव के वन आठ डो एन बाय डो एक्स सो माइनस ऑफ वन प्लस वाई क्यूबा आउटसाइड जीव कहीं एक्स टर्मटा ना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाहर करुचे से गोटे कन्स्टांट सातर एक्स डेरिवेटिव ना एक्स डेरिवेटिव के वन सो एक तार वैल्यू तो ये देख डो एम बाय डो वाई इज नॉट इक्वल टू डो एन बाय डो एक्स ओके सेटा कंडीशन सैटिस्फाइड कलानी मैं ये कौन नॉन कौन नॉन एक्जाक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन टा ओके तो फर्स्ट तुमको ये चेक करने को पड़ो जो एग्जाम देन फर्स्ट एक्जाक्ट कि नॉन एक्जाक्ट से चेक करने को पड़ो ओके जो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो देन असुविधा आउ थे काटिके लिखा पड़ो ओके आ तुम डायरेक्ट अप्लाई कर पारना ये डायरेक्ट कराई कौन पर यहाँ से ही विषय पढ़ुचे ओके ओनली नॉन एक्जाक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन विषय में पढ़ुचे से डायरेक्ट कराई बट एग्जाम तो दिया ही ना डायरेक्ट एक्जाक्ट कि नॉन एक्जाक्ट ओके से फर्स्ट चेक करने को पड़ो तो ये जना पड़ा जाए यहाँ हूँ कौन गोटे नॉन एक्जाक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो ताको आम सॉल्व करवा को मेथड रे फ्रॉम इक्वेशन वन लिखा फ्रॉम इक्वेशन वन यहाँ जो इक्वेशन वन हम तेज से इक्वेशन रू बाहर कर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब इंटू डी वाई ओके ये फॉर्म्रे तेबे ए फॉर्म को जेकोसी भाव ए भितर कह गोटे फॉर्म को आने को पड़ो ओके तो देख ये वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई कौ टर्म्रे अच्छे ये अच्छे वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइड बाय एक्स वाई ओके ए टर्म्रे अच्छे तेबे इड़े जदि गोटे एक्स वाई आने की इड़े डिवाइड करदे देन ए फॉर्म्रे आसीजिबो ओके आ जगह ए वैल्यूटा लिखिपर ओके तो ये जापर थोड़ा ये कैसे इंपोर्टेंट सो एक्स वाई को इड़े आक्स वाई को इड़े आने कौन हम वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइड बाय एक्स इंटू वाई को इड़े आने तो गोटे वाई को आनी आठ वाई क्यूब अच्छे ओके तो वाई क्यूब अच्छे मैंने रोब के वाई स्क्वेयर वाई क्यूब इड़े आने तो रहा वाई स्क्वेयर आठ डी वाई ओके ना बर्तमान से फॉर्म आसी जाए फॉर्म्रे आसे तार वैल्यू कैसे डी अफ लॉग ऑफ एक्स बाय वाई तो ताजा आम लिखिपर डी अफ लॉग को लॉन बोली लिखिदबा ओके लॉन को लॉग को लॉन बोली सिंपल लिखा जाए मैथमेटिक्स पार्ट रे ओके किंतु से माने इक्वल नुहंती ओके फिजिक्स केमिस्ट्री जो लिखिबो मेनली केमिस्ट्री देन तार वैल्यू भूल हो जाए ओके लॉग को लॉन बोली लिखिबार नहीं बट कैलकुलस पार्ट रे ताको सिंपल लिखा जाए आठ वाई स्क्वायर इंटू डी वाई को डी वाई रहा नाउ बोथ साइड इंटीग्रेशन बाहर करदे ओके इंटीग्रेशन बाहर करदे कौन हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बोली लिखिबो एठी देन जमी डी वाई इंटीग्रेशन के वाई तेज ये वाई थी ये वाई हो तो वाई जगह ये अच्छे लॉन ऑफ एक्स बाय वाई तो लिखिद ये लॉन ऑफ एक्स बाय वाई तार इंटीग्रेशन इतनी आठ वाई अच्छे विथ रिस्पेक्ट टू वाई हो इंटीग्रेशन तो वाई स्क्वायर डेरिवेटिव के वाई क्यूब बाय थ्री वाई क्यूब बाय थ्री आ जेहेतु इंडेफिनेट इंटीग्रल गोटे कन्स्टेंट आट सी ओके तो यहाँ है तार सल्यूशन ओके के इजिली आम सल्व करदे से ही मेथड यूज करके ओके से ही मेथड यूज करके तो यही आउ केतक क्वेश्चन रही ओके से सब ये सब मेथड मानक यूज करके सल्व कर हम ओके देख तर सल्यूशन ये देखिए लॉन ऑफ एक्स बाय वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब बाय थ्री प्लस सी ओके तो यहाँ तार सल्यूशन तापर सेकेंड क्वेश्चन देख सल्व वन प्लस एक्स वाई इंटू वाई इंटू डी एक्स प्लस वन माइनस एक्स वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो ओके सो यहाँ मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन देन या सल्व करके पड़ो द इक्वेशन इज रिटन एज वाई इंटू डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो ओके तो फर्स्ट आम यहाँ चेक करवा एक्जाक्ट कि नॉन एक्जाक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तापर ही ए मेथड को आसवा ओके आम स्टेप वाइज लिखा तो देख क्वेश्चन सॉल्व वन वन प्लस एक्स वाई इंटू वाई इंटू डी एक्स प्लस वन माइनस एक्स वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो दिया है देन गिवन सॉल्यूशन रे हम लिखिबा गिवन वन प्लस एक्स वाई इंटू वाई इंटू डी एक्स प्लस वन माइनस एक्स वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन वन ओके तो ये भलसे दूस नट या तुम बुझ ओनली ओके आगे तुम नोट्स लिखिपार ओके खातार मुझे बेस दिन लिखिकी रखी सो भलसे दूसनी ओके तापर या लिखा व्हिच इज नॉट एक्जाक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ओके या एक्जाक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोली हम डायरेक्ट कही देले बट तुम सॉल्व कर सही मेथड रे ओके डो एम बाय डो वाई इज नॉट इक्वल टू डो एन बाय डो एक्स हो कि नहीं चेक करवा
चेक कलापर ही एक्जेक्ट कि नॉन एक्जेक्ट बोली लिखे। ओके तो ये यहाँ आम डायरेक्ट लिखिदे व्हिच इज नॉट एक्जेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सो द इक्वेशन वन कैन बी रिरिटन एज। ओके सेम मेथड ये मतलब फॉलो कराला वाई इंटु डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटु डी वाई। ओके तो चेक कले हम ये एम रैल्यू के एम रैल्यू अच्छे कि एम इज इक्वल टू अच्छी वन प्लस एक्स वाई इंटु वाई आठ एन रैल्यू अच्छे के वन माइनस एक्स वाई इंटु एक्स। ओके एन रैल्यू आउ एम रैल्यू इतनी सो बाहर करवा तार वैल्यू तो एम रैल्यू एगेन आम लिख पार वाई को भितर मल्टीप्लाई करदे वाई एक्स वाई स्क्वायर। ओके आईटा हम एन रैल्यू एंड एन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटु वाई। ओके सो ना बाहर करवा डो एम बाय डो वाई डो एम बाय डो वाई बाहर करले विथ रिस्पेक्ट टू वाई रहा है तो यार डेरिवेटिव वन आठ एक्स कांस्टेंट आउ वाई स्क्वायर डेरिवेटिव के टू टू एक्स वाई। ओके आठ डो एन बाय डो एक्स बाहर करले एक्स डेरिवेटिव के वन आउ एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव टू एक्स सो माइनस टू एक्स वाई गोटे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है प्लस टू एक्स अच्छे माइनस टू एक्स अच्छे सो इटे नॉट इक्वल है डो एम बाय डो वाई इज नॉट इक्वल टू डो एन बाय डो एक्स। ओके इक्वल होना सो से कौन नॉट एक्जेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके सो लिखीदे व्हिच इज नॉट एक्जेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देन तार सॉल्यूशन बाहर कर तो ये वाई डी एक्स। ओके वाई डी एक्स को भितर मल्टीप्लाई कले तो वाई डी एक्स वन सहित मल्टीप्लाई कले कौन हम वाई डी एक्स प्लस एक्स इंटु वाई इंटु वाई इंटु डी एक्स वाई इंटु वाई के वाई स्क्वायर आउ एक्स इंटु डी एक्स एक्स डी एक्स रही। ओके सिंपल भितर मल्टीप्लाई कराला ठीक से यहाँ है एक्स डी वाई को एक्स डी वाई। ओके माइनस एक्स इंटु एक्स मल्टीप्लाई है एक्स स्क्वायर हम एक्स स्क्वायर वाई इंटु डी वाई। ओके आउ ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई है माइनस का हम इज इक्वल टू जीरो। ओके नाउ वाई इंटु डी एक्स प्लस एक्स इंटु डी वाई। ओके से टर्म मान को गोटे सैड कराकोसी भाव ये टर्मटा आमको आने पड़ो। ओके देख फर्स्ट जो इक्वेशन फर्स्ट थी जोटा से फॉर्म आने एक्स इंटु डी वाई प्लस वाई इंटु डी एक्स। ओके ये फॉर्म आने से तो वाई इंटु डी एक्स प्लस एक्स इंटु डी वाई गोटे सैड कराला आ बाकी सब ये सैड्रे निहाई। ओके तेज ये एक्स वाई अच्छे ये मतलब एक्स वाई अच्छे तो इे आसे कौन हम ये माइनस अच्छे तो सीडे गले प्लस रे। ओके डी वाई टर्मटा ये प्लस अच्छे फर्स्ट अच्छे और ये एक्स टर्मटा डी एक्स टर्मटा माइनस हम तो ये अच्छे माइनस है। ओके आ बोथ टर्म रु एक्स वाई गोटे कमन निहाई ए टर्म पर रहा एक्स आउ ए टर्म पर रहा के वाई। ओके कहीं ये वाई स्क्वायर अच्छे एक्स स्क्वायर अच्छे तो स्टेप वाइज गले तुम बुझीपर तापर या को आम के लिखिपर डी इंटु डी अफ एक्स एक्स इंटु वाई। ओके से मेथड ये एप्लाय कराला देख डी अफ एक्स इंटु वाई सो डी अफ एक्स इंटु वाई आउ ये एक्स वाई आउ ये कौन अच्छे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अच्छे। ओके तो सेम टू सेम अच्छे नाउ एक्स वाई को एण आसे कौन हम डी वाई डी जीव तेज डी अफ एक्स बाय एक्स इंटु वाई डिवाइड बाय एक्स वाई आउ ये रही एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। ओके ना बोथ साइड रे इंटीग्रेशन बाहर करवा डी अफ समथिंग अच्छे आउ ये डी वाई आउ ये वाई डी एक्स अच्छे तो इंटीग्रेशन बाहर कले डायरेक्ट सल्व हो पार। ओके तेज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट। ओके बोथ साइड इंटीग्रेशन बाहर कले हम डी अफ एक्स बाय एक्स एक्स इंटु वाई डिवाइड बाय एक्स वाई होल स्क्वायर ये सब टर्म्रे कौन एक्स वाई डिवाइड कराई। ओके सब टर्म्रे एक्स वाई डिवाइड कराई तो आगु एक्स वाई अच्छे आउ ए एक्स वाई मल्टीप्लाई कौन हम एक्स वाई होल स्क्वायर आउ ये अच्छे एक्स वाई डिवाइड होती आठ एक्स वाई डिवाइड होके अच्छे। ओके सिंपल या इंटीग्रेशन सॉल्व इजी ओके इजी सॉल्व करने ये कराला तापर यार डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन बाहर कर। ओके इंटीग्रेशन बाहर कले कौन हम तो ये एक्स वाई अच्छे डी अफ एक्स वाई। ओके माने ये वेरिएबल हूँ एक्स वाई वेरिएबल हूँ एक्स वाई। ओके मल्टीप्लाई अच्छे तो से एक्स वाई गोटे डिवाइड करा कराऊ सब टर्म्रे आउ ये एक्स इंटु डी वाई अच्छे तो एक्स आउ एक्स कैनसल है कौन हम वन बाय वाई ही रोक तो वन बाय वाई इंटु डी वाई। ओके आउ ये वाई वाई कैनसल है रहा डी एक्स बाय एक्स। ओके डी एक्स बाय एक्स नाउ यार इंटीग्रेशन बाहर कर यार इंटीग्रेशन फॉर्मूला कौन एक्स द्वारा एन फॉर्मूला ये अप्लाई कले हम माइनस अफ एक्स इंटु वाई होल टू द्वारा माइनस वन। ओके ये सल्व कले आस जमी वन बाय एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स बाहर कले
एटा को लिख पार एक्स द्वारा माइनस टू इंटु डी एक्स ओके तेज एक्स द्वारा एन फर्मूला एप्लाय कले ये कौन एक्स टू दि पार माइनस टू प्लस वन डिवाइड बाय माइनस टू प्लस वन ओके तो माइनस टू प्लस वन मानते माइनस वन एक्स द्वारा माइनस वन डिवाइड बाय माइनस वन दैट इज माइनस वन बाय एक्स ओके एक्स द्वारा माइनस वन अच्छी पावर वन अच्छे बोले तले लिख पार ओके माइनस माइनस वन बाय एक्स है तो ये सेम ही कराई और या सिंपल लिख पार माइनस अफ एक्स द्वारा माइनस वन ओके सिंपल एक्स जगह ये कौन अच्छी एक्स वाई अच्छी ओके एक्स वाई अच्छे से माइनस अफ एक्स वाई रोल टू द्वारा माइनस वन अच्छे इज इक्वल टू वन बै वाई इंटीग्रेशन फर्मुला होती लन वाई ठीक से भाई यहाँ हम कौन लन एक्स माइनस आउ जेहेतु गोटे एटा हो इंडेफिनेट इंटीग्रल सो गोटे कन्स्टेंट एड है लन सी ओके सब लन टर्न मानक अच्छे से आउ थे सिंप्लीफाई करने लन सी कन्स्टेंट भाव निया ओके लन सी नियो कि सिंपल सी ना भी हम बट आउ थे सल्व करने एक लन सी लिखाई ओके ना सो यहाँ हम कौन माइनस अफ वन बै एक्स इंटु वाई माइनस लन इटि लन वाई माइनस लन एक्स अच्छे ओके लन ए माइनस लन बी हेल्ले कौन हम लन ए बै बी तेज इटि अच्छे लन वाई बै एक्स आउ प्लस अच्छे तो ये कौन हम माइनस हो तो माइनस लन अफ वाई बै एक्स इज इक्वल टू एटा लन सी ओके नाउ एटा है माइनस वन बै एक्स वाई प्लस लन वाई बै एक्स अच्छे ओके वाई बै एक्स अच्छे जो एक्स बै वाई करवा देन कौन हम माइनस गोटे आसो ओके माइनस आउ माइनस मल्टीप्लाई हेल्ले प्लस होके सिंपल लन वाई बै एक्स अच्छे जो एक्स बै वाई करवा देन माइनस गोटे आसो लगारिथम तुम पढ़ु थो ओके तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हेल्ले प्लस तो प्लस लन अफ एक्स बै वाई इज इक्वल टू लन सी ओके लन एक्स बै वाई माइनस लन सी इज इक्वल टू वन डिवाइड बै एक्स इंटू वाई ओके ये माइनस वन बै एक्स वाई थी तो माइनस तो आर एक्स इक्वल कौन हम प्लस सो वन डिवाइड बै एक्स वाई तापर लन एक्स बै वाई प्लस एक आउ ये कौन लन सी प्लस ये हम माइनस ओके प्लस माइनस एगेन ए बै बी फॉर्मूला अच्छे ओके लन ए माइनस लन बी सो लन ए बै बी ओके एक्स बै वाई आउ एटा भी डिवाइड हे सो वाई इंटु सी इज वाई सी ओके रही के वन डिवाइड बै एक्स वाई एगेन लन जदि उठेद देन एड कौन हम इट द्वारा समथिंग हम ओके इट जदि अच्छी लन एक्स इज इक्वल टू वाई लन एक्स इज इक्वल टू वाई थे या को आम लिखिपर एक्स इंटु इट द्वारा वाई ओके तो से अनुसार यहाँ है लन एक्स बै वाई इंटु सी अच्छे तो ये कौन वन बै एक्स वाई अच्छे तो लन उठेदे इट द्वार इार पावर होके ये पावर हो रो पावर वन डिवाइड बाय एक्स इंटु वाई ओके ना एक्सटा एट रहा वाई सीटा डिवाइड होगी से कौन मल्टीप्लाई हो तेज एक्स इज इक्वल टू वाई इंटु सी इट द्वार वन बै एक्स वाई ओके दिस इज द रिक्वेर्ड सल्यूसन अफ इक्वेशन वन ओके ये हूँ कौन रिक्वेर्ड सल्यूसन तो यही सल्व कराए से ही मेथड मान को यूज करके ओके तापरे आउ के क्वेश्चन सॉल्व करवा नेक्स्ट वीडियो रे से वीडियो ये जो वीडियो किसी नॉलेज मिल पारे देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू।